स्तुति में सॉन्ग 55 गाएंगे, गीत नंबर 55 करते हैं हम तेज स्तुति।
धन्यवाद परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं संघर्ष आपके लिए जो आपने परमेश्वर पिता एक साथ हमें परमेश्वर का जुड़ने के लिए सहायता किया। परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता की आज जो भी वचन हमारे लिए होगा परमेश्वर पिता ग्रहण योग्य होने पर परमेश्वर जो भी हमने स्तुति चढ़ाई ग्रहण योग्य होने पर परमेश्वर पिता जो भी वचन होगा हमारे दिल में कार्य करने पर परमेश्वर पिता और वचन को परमेश्वर सिर्फ हम सुने ना लेकिन परमेश्वर पिता उसके अनुसार परमेश्वर पिता हम परमेश्वर पिता चलने में वाले हो सके ऐसे आपसे विनती प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता हर चीज का नियंत्रण अपने हाथों में लिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। व्यवस्था या भविष्यताओं की पुस्तकों को लोक करने आया
बल्कि पूरा करने के लिए है। प्रभु यीशु मसीह वो सारे वचनों को पूरा करने के लिए है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर टंगे गए थे तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी। कौन सी बात कही थी? ये पूरा हुआ, पूरा हुआ है। क्या पूरा हुआ? बहुत सारी बातें पूरी हुई। और जब सात वचन प्रचार करते हैं हमारे चर्च के जो है एल्डर लोग, और जब तो वो मालूम चलता है कि क्या क्या बात है। पूरी करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इसलिए आया ताकि वचन को पूरा करूं, व्यवस्था का पूरा करूं। अगर प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा करने के लिए इस दुनिया में आया, लोग करने नहीं आए, तो आज हम प्रभु के वचनों को लोग क्यों करते हैं? बाइबल में लिखा है कि व्यभिचार ना करो, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं? व्यभिचार करो, वो लोग करने की कोशिश करते हैं। बाइबल में लिखा है झूठ मत बोलो, लेकिन लोग झूठ बोलते हैं। बाइबल में लिखा है कि बहुत सारी बातें ये मत करो वो मत करो, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। और जो है इसका मतलब हम यीशु मसीह के चेले नहीं। अगर हम व्यवस्था को पूरा नहीं करेंगे तो हम प्रभु यीशु मसीह के चेले नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने जैसे नियमों को व्यवस्था को पूरा किया, वैसे हम भी जो व्यवस्था प्रभु ने हमको दी है उस व्यवस्था को पूरा करना है, पीछे नहीं हटना, पूरा करने के लिए आए। आज हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने जो भी नियम दिए हैं वो सारे नियमों को क्या करना है? नियम पूरा करना है, लोग नहीं करने है, हटाना नहीं है, अपनी बाइबल नहीं बनानी। बहुत सारे लोग जो है अभी आपने देखा होगा कि कोई नई बाइबल बना रहे हैं, कह रहे हम नई बाइबल बनाएंगे। और ये नई बाइबल बनाएंगे, उनको ये पता नहीं है कि इस बाइबल में जो कोई अपनी इच्छा से डालेगा कोई और दूसरी बात है, तो परमेश्वर इस बाइबल की सारी विपत्तियां उसके ऊपर डालेगा। जो कोई इस बाइबल में से कोई चीज निकालेगा, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर उसका नाम जीवन की पुस्तक में से निकाल देगा। तो इस बाइबल को जो है बड़े गंभीरता के साथ लोग नहीं लेंगे। और इसलिए हमारे पोप जो है वो नई बाइबल बना रहे जो वचन के विरोध में है, चाहे वो पोप हो चाहे कोई राजा भी हो, हम किसी को नहीं मानेंगे, बाइबल यही मानेंगे। तो वो नई बाइबल बना रहे हैं और उसको जो है वो बाइबल का नाम दे रहे हैं। कितनी दुख की बात है, वो नई बाइबल बनाने वाले लोग बाइबल के अनुसार उनके जीवन के ऊपर विपत्तियां आएंगी। प्रभु परमेश्वर के लोगों, बाइबल में लिखा है कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था में से एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं रहेगा। कितने सुंदर बात। तो प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया, और हमें भी अपने नियम जो प्रभु ने दिए हैं पूरे करने के। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया? मत्ती उसका 9:13 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया। क्यों आया? पढ़े वचन हालेलुया, आर एस से पढ़ेगी सिर्फ 13 सो तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह पापियों को बुलाने के लिए आया, धर्मियों को बुलाने के लिए नहीं आया। बहुत सारे लोग अपने आप को धर्मी समझते हैं, बहुत सारे लोग अपने आप को धर्मी समझते हैं, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह धर्मियों को बुलाने के लिए नहीं आया, लेकिन पापियों को बुलाने के लिए आया। पापियों को, हाँ, पापियों का मित्र कहलाया गया प्रभु यीशु मसीह। क्यों? क्योंकि वो पापियों के साथ बैठता था,
पापियों के साथ खाना खाया करता था और पापियों के द्वारा वो पश्चाताप करवा के लिया करता था। पापियों के साथ बैठ के वो पाप नहीं करता था। सबसे बड़ी बात, अगर आप भी पापियों के साथ जाते हो, आपके ऑफिस में बहुत बड़े बड़े गुनहगार पापी हैं, आपके अड़ोस पड़ोस में गुनहगार और पापी हैं, तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं पापियों को बुलाने के लिए आया। कितनी बड़ी बात कह दी प्रभु ने, मैं पापी था और मुझे बुलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया ताकि मैं प्रभु यीशु के पास आ जाऊं और पश्चाताप करूं, प्रभु से माफी मांगूं, प्रभु मुझे माफ करो। आप हम पूर्ण समय के लिए पश्चाताप करें, अपने हाथों को उठाए, आप प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु सहायता करें। हालेलुया। प्रभु जी आज हम प्रार्थना करते हैं, हम पापी हैं प्रभु जी, और हे प्रभु जी आज हम तुझसे मांगते हैं कि प्रभु हमारे पापों की क्षमा कर। हे प्रभु जी हमारे पापों की क्षमा कर, हम पापी लोग हैं प्रभु जी। प्रभु तू हम जैसे पापियों को बुलाने के लिए आया ताकि हम धर्मी लोग हो सके। प्रभु जी आज जो जो व्यक्ति देख रहे प्रभु, हम सब अपने पापों से माफी मांगते हैं। प्रभु हमने पाप किया है, हमने तेरे ही विरुद्ध पाप किया ताकि तू बोलने में थर के रहे, प्रभु हमने पाप किया है, प्रभु हमने पाप किया है, हमें माफ कर, हमें माफ कर, हमारे पापों की क्षमा कर। प्रभु तू पापियों को बुलाने के लिए आया, प्रभु हम तेरे पास आते हैं, हम जैसे व्यक्तियों को तेरी जरूरत है। हे प्रभु हमें पवित्रता में रहना सीखा, धर्मी बने रहना सीखा, हर तेरी महिमा हो प्रभु, हमारे पापों की क्षमा कर। प्रभु जो पाप हम करते उसके लिए माफी चाहते, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। प्रियो अगर आपने पश्चाताप किया है तो आपका जीवन सफलतापूर्वक पूर्ण होगा, आशीषित होगा। जिन पापों के लिए आपने माफी मांगी वो पाप फिर से करना नहीं। प्रभु कहता है कि मैं पापियों को बुलाने के लिए आया। आजकल बहुत सारे धर्मी हैं और अपने आप को क्या समझते, वो बहुत बड़े धर्मी लेकिन वो धर्मी नहीं है, क्योंकि धर्मी सिर्फ यहोवा ही बना सकता है। बाइबल में लिखा है तुम्हारे धर्म के काम, तुम्हारा धर्म के काम गंदे चिथड़ों की नहीं हो चुके हैं। माफ करें, अपने आप को वो धर्मी कहते कहते मूर्ख बन गए। इस दुनिया में कोई भी धर्मी नहीं, कोई भी पवित्र नहीं, एक भी पवित्र नहीं, सबने मार्ग छोड़ दिया है, सब पापी हो गए हैं। लेकिन फिर भी शैतान कुछ ऐसे दुष्ट लोगों को अपने आप को धर्मी कहने का एक जो है ऐसा पटुका बांध देता है, ऐसे कपड़े बनवा देता है कि तू धर्मी, तू धर्मी, तू धर्मी, तू धर्मी। मेरे भैया हम धर्मी नहीं, हम तो अगर धर्मी हैं तो सिर्फ यीशु के लहू से धर्मी हैं। अगर हम धर्मी हैं तो सिर्फ प्रभु यीशु के बलिदान से हम धर्मी हैं। इसलिए प्रभु यीशु से कहता है कि मैं धर्मियों को नहीं बुलाने आया हूं, मैं पापियों को बुलाने आया। स्वर्ग में सारे पापी लोग होंगे जिन्होंने पश्चाताप किया है। हालेलुया। स्वर्ग में सारे पापी लोग होंगे जिन्होंने पश्चाताप करके पवित्र बन गए हैं और प्रभु यीशु के बलिदान पर विश्वास किया। हालेलुया। प्रियो हम सब लोग स्वर्ग में तब जाएंगे जब हम प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट को समझ लेंगे। बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों को बुलाने के लिए है, ये उसकी बुलाहट है। और प्रभु पापियों को जब बुलाता तो क्या करता है, कहता है आपसे पाप ना करना। प्रभु यीशु मसीह जब पापियों को बुलाता तो क्या कहता है, पश्चाताप कर। यीशु मसीह का सबसे पहला संदेश कौन सा था, पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले का सबसे पहला संदेश कौन सा था, पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। आज हमें पश्चाताप करने के लिए प्रभु यीशु बुलाता है। आपको अमरीका भेजने के लिए नहीं बुला रहा है प्रभु, आपको जो है
वो पैसा देने के लिए, नौकरी देने के लिए, शादी कराने के लिए और घर देने के लिए नहीं बुला रहा है प्रभु। उसका मूलभूत सिद्धांत यह है कि जो यीशु के पास आए वो पश्चाताप करे और पश्चाताप के बाद फिर सारी आशीषें आना शुरू हो जाती है। पश्चाताप के बाद, बपतिस्मा के बाद, चर्च में आने के बाद सारी आशीषें आना शुरू हो जाती है। और जो चर्च में नहीं जाएगा वो स्वर्ग में भी नहीं जाएगा, जो चर्च में नहीं जाएगा वह स्वर्ग में भी नहीं जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उसके ऊपर प्रबल होने ना पाएंगे। कोई भी विचार की आत्मा कलीसिया के ऊपर प्रबल होने नहीं पाएगी, कोई शराब की आत्मा, कोई लालच की आत्मा, कोई भी शैतान की आत्मा, बुराई की आत्मा, कोई भी दुष्ट आत्मा जो है इस कलीसिया के ऊपर, कलवरी कलीसिया के ऊपर प्रबल होने ना पाएगी, क्योंकि इस कलीसिया का बनाने वाला जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। और उसका वचन यह है कि मैं अपनी कलीसिया बना रहा हूं, और वो अपनी कलीसिया जो बना रहा है, जैसे नू अपने जहाज को बना रहा था, वैसे प्रभु यीशु, स्वयं प्रभु यीशु अंतिम दिनों में अपनी कलीसिया बना रहा है। उसके वो जीवित पत्थरों को ला रहा है, आप और मैं हम जीवित पत्थर प्रियो प्रभु ला रहा है। कितनी खुशी की बात है कि प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया बना रहा है। इस कलीसिया में जो आएंगे वही स्वर्ग में जाएंगे, इस कलीसिया में जो नहीं आएंगे वह स्वर्ग में नहीं जाएंगे। सार्वभौम कलीसिया, सारी सृष्टि में बनाई गई कलीसिया, इस कलीसिया का जो भाग है, जिसने पश्चाताप किया है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया है, वही व्यक्ति कलीसिया का भाग है और वही व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगला वचन हम पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु मसीह क्यों आया, और प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया ताकि जो है एक प्रकार का जो है बाइबल में लिखा है कि मैं इसलिए आया ताकि तलवार चलाऊं। आजकल प्रभु यीशु मसीह के कारण जो है प्रेम का परमेश्वर ही है, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह का प्रेम अपनाते हैं उनके ऊपर तलवार चलती है। पहले तो या तो उनके परिवार के लोग तलवार चलाते हैं, या तो विरोध की लोग, बाहर के लोग, ख्रिस्त विरोधी लोग उनके ऊपर तलवार चलाते हैं। बाइबल में लिखा है कि 10वां अध्याय और 24वां वचन कि ये मत समझो कि मैं क्या करने के लिए आया हूँ। पढ़िए जो ऐसे पढ़िए बेटा, यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने को नहीं पर तलवार चलवाने आया हूँ। हाँ हाँ, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं मिलाप करने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन तलवार चलाने के लिए आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दो। मनुष्य के बैल उसके घर के ही लोग होंगे। जो माता या पिता को मुझसे अधिक देर जानता है वो न मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक देर जानता है वो मेरे योग्य नहीं। बात है तो प्रियो, प्रभु का वचन बताता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया ताकि तलवार चलाए। हो सकता है कि आपके परिवार के लोग अभी प्रभु में नहीं आए हैं, और उनके न आने के कारण आपके परिवार में झगड़े रगड़े होते रहते हैं। कोई कहता है तू चर्च में मत जा, कोई कहता नहीं चर्च में जाऊंगा, कोई कहता नहीं चर्च में जाएगी नहीं तू, और चर्च में जाएगा नहीं तू, और नहीं मैं चर्च में जाऊंगा। ऐसे बहुत सारे झगड़े मैं देखता हूं। क्यों? क्योंकि प्रभु कहता है कि जो चुने हुए लोग हैं वे चर्च में आएंगे,
जो चुने हुए लोग हैं वो कहाँ आएंगे? चर्च में आएंगे। और जो चुने हुए लोग नहीं है वे अपने हाथ में तलवार लेंगे, परिवार के लोगों को परेशान करेंगे, उनका सताव करेंगे, उनके विरोध में जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं है। वे प्रभु को डरते नहीं है, परमेश्वर की सेवा करते नहीं है। और इसलिए प्रभु कहता है कि मनुष्य को उसके पिता की, मैं तो आया हूं कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी मां से और बहू को उसकी सास से अलग कर दो। यह हकीकत है, जो प्रभु को नहीं मानेगा वो अलग हो जाएगा। ऐसे ही परिवार है कि जो सारे के सारे प्रभु पर विश्वास करते हैं तो कभी उनके पड़ोस के लोग या मसीह विरोधी लोग आएंगे और उनके विरोध में जाएंगे। प्रभु ने कहा मैं तलवार चलाने के लिए आया हूं, मेल कराने के लिए नहीं आया। इसलिए प्रियो आज आप शैतान की ओर है कि प्रभु की ओर है? आप नरक के लिए बनाए गए हो या स्वर्ग के लिए बनाए गए हो? आप चर्च में आने के लिए अपने परिवार के सदस्यों को रोकते हो या सबको ले आते हो? ये बहुत बड़ा जो है मायना रखता है, ये बात बहुत बड़ा मायना रखता है कि आप का स्टैंड कहां है, आप कहां खड़े हो। आप तलवार लेके परिवार के लोगों को मार रहे हो या आप प्रभु की सेवा के लिए अपने परिवार को देने के लिए, परिवार को प्रभु यीशु के पीछे लाने के लिए तैयार हो? ऐसे बहुत सारे माता पिता थे जिन्होंने अपने बच्चों को यीशु के पास लाया और कहा कि हे यीशु इन बच्चों को आशीष दे। आज प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष देना चाहता है, आपके जीवन के बंधनों को तोड़ना चाहता है, आपके बच्चों पर हाथ रख के दुआ करना चाहता है। और वो कब होगा? जब आप अपने परिवार को प्रभु के भवन में लाओगे। प्रभु यीशु मसीह हमारी कलीसिया में चलता फिरता नजर आता है, यहां पे चलता है प्रभु, यहां पे देखता है लोगों को, यहां पे बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार चंगाइयां होते हैं और जहां दो या तीन उसके नाम से इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं मौजूद होता हूं, ऐसे यीशु ने कहा। तो आज हम चाहे कितने भी आए हो लेकिन हम यीशु के नाम से इकट्ठे हैं और इसलिए प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु हमारे बीच में है। जो नहीं आते हैं चर्च में हम उनको जबरदस्ती करते नहीं, क्योंकि हमको पता है कि उनमें से कुछ ऐसे हैं कि जो चर्च में आएंगे और कुछ ऐसे हैं जो नरक में जाएंगे। और जो चर्च का विरोध करते हैं तो प्रियो हालेलुया, प्रभु कहता है कि तुम अपने माता पिता या उस जो माता पिता को मुझसे अधिक ले जानता है वो मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक ले जानता है वो मेरे योग्य नहीं। तो हमें सबसे पहला प्रेम प्रभु को करना है, प्रभु की कलीसिया को करना है। अगर हमको स्वर्ग में कोई उठाएगा तो वो यीशु की कलीसिया, यीशु की कलीसिया। बाइबल में लिखा है कि वो महिला 84 साल से विधवा थी और परमेश्वर के भवन को छोड़ती नहीं थी, उपवास और प्रार्थना कर करके परमेश्वर की उपासना किया करती थी। वो महिला लगातार प्रभु के भवन में आती थी, नित्य प्रभु के भवन में रहती थी और ऐसी महिलाओं पर परमेश्वर की आशीष रहेगी, ऐसे पुरुषों पर परमेश्वर की आशीष रहेगी। इसलिए हम चर्च में जाते हैं, इसलिए हमें कल चर्च में जाना अनिवार्य है। एक बार ड्यूटी नहीं जाएंगे तो चलेगा, चाहे कितना भी बड़ा ऑफिसर हो आपका बॉस, वो बुलाएंगे आप नहीं जाएंगे चलेगा, लेकिन कल आपको कौन बुला रहा है?
कलीसिया बुला रही है। प्रभु कहता है कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, आप कलीसिया का एक भाग है, आप एक जीवित पत्थर है, आप अगर शांत रहेंगे तो पत्थर चिल्लाएंगे, आप नहीं आएंगे तो दूसरे आएंगे। नेवताहानी योग्य नहीं थे, इसलिए तुम बाहर जाओ और जो तुम्हें मिले उन्हें बरबस खींच के ले आओ। और वो जेवना घर जो है वो सारे जेवन लोगों से भर गया। और उनके लिए कहा गया जो बुलाए गए थे वो क्या नहीं थे, योग्य नहीं थे। और वो जो खाना, वो जो आशीष जिनको बुलाया गया था उनको नहीं मिली, लेकिन जो रास्ते से पकड़ के लाए गए थे उनको मिल गए। आपकी कुर्सी पर कोई दूसरा बैठने ना पाए, आपके टेबल का खाद्यान्न, आपके टेबल का जो भोजन है वो आप ही को मिलने पाए। आप नहीं आएंगे कोई और आएगा, आपकी कुर्सी पर बैठेगा, भोजन करेगा और स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करेगा। कितनी बड़ी बात है। इसलिए आपकी कुर्सी कल चर्च में खाली रहने ना पाए, नहीं तो प्रभु दूसरों को लाएगा। कितनी अच्छी बात है, आज प्रभु बुलाना है, प्रभु बुलाना है। फिर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि वो क्यों आए, इस दुनिया में क्यों आए। मैं जब बीमार था तब जॉली ने मेरे ऊपर हाथ रख दिया और इतना कोविड हो गया था मुझको, और वो कोविड होने के बाद जो है मैं मरने के रास्ते पर, मेरी पत्नी मरने के रास्ते पर, लेकिन जब मेरे पर हाथ रख के प्रार्थना की गई, जॉली ने प्रार्थना की और क्या चमत्कार होगा, चमत्कार मुझे जीवन मिल गया। हालेलुया, हालेलुया। मत यूहन्ना उसके 10 अध्याय के 10 वचन में क्या लिखा पढ़ी है, जो किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नाश करने को आता है, मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। तो प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया ताकि जीवन देने के लिए, आज वो आपको जीवन देना चाहता है, लेकिन बहुत सारे लोग मौत को गले लगाना चाहते हैं, उनकी इच्छा है। जो मौत को गले लगाना चाहता है चाहते हैं वो अपनी उनकी इच्छा है, हमारी तो इच्छा यह है कि हम जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया ताकि हम जीवन पाए, और कितना जीवन पाए, बहुतायत का जीवन। हालेलुया, बहुत सारा जीवन, भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है। यीशु वो हमारे शत्रुओं के सामने हमारे लिए मेज बिछाता है, मेज तो बिछाया है आपके लिए, लेकिन आपकी कुर्सी खाली है, आपका मेज भरा है, सुंदर हो गया है, लेकिन आपकी कुर्सी खाली है, क्योंकि आप घर में बैठे हो, आप चर्च में नहीं आए हो। बहुत सारे लोग कल चर्च में नहीं आएंगे, घर में बैठे रहेंगे। आपको प्रभु जीवन देने के लिए बुला रहा है। प्रभु कहता है मैं इसलिए आया ताकि तुम जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। तो यीशु मसीह इसलिए आया ताकि आपको जीवन मिले, और प्रभु यीशु मसीह के पास जो आते हैं उनको जीवन मिलता है। प्रभु यीशु मसीह के पास जो आते हैं वो जीवित हो जाते हैं, जीवन प्राप्त करते हैं। कितनी खुशी की बात है, हालेलुया, कि प्रभु यीशु मसीह आया। वो क्यों आया, वो कैसे आया, देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया तो वो कैसे आया। जब मेरे पापा हेडमास्टर प्रिंसिपल थे अपने स्कूल में, तो मुझे मेरे पापा कहते थे कि जा उस टीचर को बुला के ला। आज मैं जाता था और मैं कहता मैडम आपको मेरे पापा बुला रहे हैं।
तो वो टीचर सारे काम छोड़ देती थी तुरंत, क्योंकि प्रिंसिपल ने बुलाया। मैं जाता था अपने पापा का नाम लेकर कि पापा ने बुलाया। आज यीशु मसीह हमारे बीच में आया, वो किसके नाम से आया? पढ़ेंगे उस वचन को, यूहन्ना 5 अध्याय का 43वां वचन। मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि कोई और अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। आज प्रभु पर प्रभु यीशु मसीह आता है पिता के नाम से और कहता है कि ग्रहण करो। यीशु मसीह आया पिता के नाम से, पिता ने उसको अधिकार दिया, पिता ने उसको भेजा। ये पिता कौन है? परमेश्वर है। उसके बारे में क्या लिखा है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो भी उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस पिता ने अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु को इस दुनिया में भेजा ताकि हम उद्धार पाए। आज हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं क्योंकि पिता ने उसे भेजा है। ये प्रभु यीशु मसीह क्यों आए? यूहन्ना उसका 12 अध्याय का 46वां वचन। बाइबल में लिखा है कि इस दुनिया में तो पहले से शैतान था, शैतान ने हवा को बहकाया। आज बहुत सारे लोग बहकाने वाले लोग हैं, कहते चर्च मत जाओ, कहते हर संडे चर्च में जाने की जरूरत नहीं है, ये बहकाने वाली बात है। लेकिन जो चर्च में जाता है वो ज्योति पाता है। बाइबल में लिखा है लूका 12 अध्याय का 46वां वचन, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना रहे। कितनी सुंदर बात, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ। यीशु मसीह जगत में ज्योति होकर आया। आज आपकी वो कौन है? ज्योति है। आपको कौन क्या दिखाने वाला है? वो रास्ता दिखाने वाला। मैं जगत में ज्योति बनकर आया हूं, जगत की ज्योति होकर आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में ना रहे। आज प्रभु की इच्छा कि आप अंधकार में ना रहे, इसलिए प्रभु ज्योति बनकर आए। और जब भी कहीं अंधियारा होता है तो हमारे पास ज्योति होती है क्या? हाँ होती है। आजकल हर एक के मोबाइल में टॉर्च है, वो पटक से लगा देते हैं और वो अंधकार निकल जाता है। ये तो हो गई दुनिया का अंधियारा, लेकिन जो आत्मिक अंधियारा है उसको हटाने के लिए टॉर्च या मोबाइल का टॉर्च नहीं चलेगा। उस अंधकार, आत्मिक अंधकार को हटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह जो ज्योति बनकर आया वही चलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु मसीह इस दुनिया में आया ज्योति बनकर आया। और आखिरी बात बता के मैं बंद करूंगा, 7 बातें बताई मैंने आज, और वो आखिरी बात है यूहन्ना 9 अध्याय का 39वां वचन कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया ताकि न्याय हो सके। जो उसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं उनका न्याय होगा और वे नरक में भेजे जाएंगे, ऐसे बाइबल में लिखा है। हालेलुया, पढ़े उस वचन को। हालेलुया, तब यीशु ने कहा मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इस जगत मैं न्याय के लिए आया हूं, न्याय के लिए। और प्रभु चाहता कि वो न्याय चुकाए हर एक का,
प्रभु की सेवा करें, न्याय करने के लिए आया है। बाइबल में लिखा है कि वो प्रभु यीशु मसीह आएगा इज़राइल देश में और वो सारे ऐसे दुष्ट लोगों को अपने नथनों की सांस से मार डालेगा, नाश कर देगा। उसको हाथ से मारने की जरूरत नहीं है, उसको बॉक्सिंग करने की जरूरत नहीं है हमारे प्रभु को। मतलब ये देखो ना, हम नाम की सांस से क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु इतना सामर्थी है कि अंतिम युद्ध जो होगा, उस अंतिम युद्ध में उन अपने दुश्मनों को प्रभु नाम की सांस से नाश करेगा, न्याय करेगा उन लोगों का कि जिन्होंने प्रभु को ग्रहण नहीं किया, न्याय चुकाएगा प्रभु जिन्होंने पाप किए, अधिक पाप माफ नहीं हुए। यीशु ने कहा मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं। अभी पहले प्यार के लिए आया है, उद्धार के लिए आया है, आशीष देने के लिए आया है, प्रेम करने के लिए आया है, लेकिन फिर भी नहीं सुनेंगे ना तो फिर न्याय करेगा प्रभु। क्या करेगा? न्याय। तो प्रियो आज हमने सात बातें देखी। यीशु मसीह आया व्यवस्था पूरा करने के लिए। दूसरी बात, यीशु मसीह आया ताकि पापी लोग पश्चाताप करें। यीशु मसीह आया ताकि तलवार चलाए। यीशु मसीह आया जीवन देने के लिए। यीशु मसीह आया अपने पिता के नाम से पांच चुका। यीशु मसीह आया छठी बार एक प्रकाश या ज्योति देने के लिए। और यीशु मसीह आया न्याय करने के लिए। प्रियो कब यीशु मसीह इस दुनिया में आए? ये सात बातें मैंने देखी और बहुत सारी बातें प्रभु यीशु मसीह के बारे में, लेकिन आज आपको प्रभु यीशु मसीह यही कह रहा है कि जल्दी से जल्दी पापों से माफी मांगो और प्रभु यीशु मसीह आपको माफ करेगा। आइए हम दुआ करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु अपने आशीष हमारे पर दे। पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, आज हम यीशु मसीह के नाम से आपके पास आए, हमारे पापों की क्षमा प्रभु। मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधीर है? मनुष्य क्या है कि तू उसकी परवाह करे? लेकिन तू हमारे पास आया, तूने हमसे प्रेम किया प्रभु, और तेरे उस अपार प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज जो तेरे पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। तू व्यवस्था पूरी करने के लिए आया, हम भी अपने जो बाइबल के नियम है वो पूरे करें। तू पापियों को पश्चाताप करने के लिए बुलाने के लिए आया, हम भी पश्चाताप करना कभी ना छोड़े। प्रभु तलवार चलाने के लिए आया और हम प्रभु परमेश्वर तेरी कलीसिया में आने वाले लोग बने, नरक में जाने वाले लोग ना बने। प्रभु तू जीवन देने के लिए आया और इसलिए हम तेरी कलीसिया में जाए और जीवन प्राप्त करें। तेरी कलीसिया में जो जाएगा वो स्वर्ग में जाएगा। प्रभु तू अपने पिता का नाम लेके आया, आज हम भी जब जाएंगे, आज हम जब भी प्रार्थना करेंगे वही पिता से प्रार्थना करेंगे, यीशु के नाम से प्रार्थना करेंगे। प्रभु तू हमको ज्योति दिखाने के लिए आया ताकि हम गड्ढे में ना गिरे, ताकि हम कुएं में ना गिरे, ताकि हमारा नाश ना हो। ज्योति तो सिर्फ यीशु ही दे सकता है। यीशु का नाम ज्योति है, यीशु का नाम प्रकाश है, यीशु का नाम लाइट है, और इसलिए यीशु के पास बने रहने के लिए, यीशु का वचन पढ़ने के लिए तो हमारी सहायता करें। अरे प्रभु इसलिए आया ताकि न्याय करे। किताबें खोली गई, हृदय वचन में लिखा है, हर एक व्यक्ति के जीवन की किताबें लिखी जा रही है, जो जो पाप वो कर रहे हैं वो सब लिखे जा रहे हैं, वो सारे पापों का न्याय किया जाए। हे प्रभु आज जो जो दर्शक देख रहे हैं उनके पापों की क्षमा करें, हम सब पश्चाताप करें, माफी मांगे प्रभु जी, इसलिए हमारी सहायता करो। दूसरा कोई रास्ता नहीं है,
इस न्याय से बचने के लिए और कोई रास्ता नहीं। प्रभु हम अपने पापों से माफी मांगते हैं, तेरी आशीष हम पर हो। धन्यवाद तुझे हमारी प्रार्थना सुनी है प्रभु। आज का शनिवार का दिन, उपवास प्रार्थना का दिन, हम धन्यवाद होते हैं इस दिन के लिए। प्रभु जी तेरी आशीष हम सब पर हो। आज जिन जिन व्यक्तियों ने उपवास किया है उनका उपवास को ग्रहण कर प्रभु। आज जिन्होंने प्रार्थना की है, बाइबल पढ़ा है, स्तुति भेंट पढ़ी है, उनको बहुत बड़ी बरकत दे प्रभु। कल की तैयारी करें प्रभु, अपना बाइबल, अपना नोटबुक, अपने गाने की किताब और पेन, ये चार वस्तुएं सबसे पहले निकाल के रखें ताकि हम कल की तैयारी कर सके। अपना दशमांश, अपने उठाने वाली भेंटे, धन्यवाद की भेंटे भी हम तेरे भवन में लाए प्रभु। हम छूचे हाथ तेरे भवन कभी ना जाए, इसलिए प्रभु जी जिनकी सैलरी नहीं हुई है उनकी सैलरी होने दे, जिनको काम नहीं उनको काम दे प्रभु, ताकि वे तेरे भवन में छूचे हाथ ना आ सके। हे प्रभु तेरे भवन में हम जाएंगे, तेरी आराधना करेंगे, तेरे भवन में हर एक जन को नाचने के लिए गाने के लिए सहायता कर, कोई शांति से ना बैठे प्रभु, और तेरी महिमा हो। धन्यवाद तुझे हमारी दुआ कबूल करी, धन्यवाद इस दुनिया में आने के लिए प्रभु, तू मेरे लिए आया। थैंक यू जीसस, तू मेरे लिए आया। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, वी ब्लेस योर नेम ऑफ गॉड। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, वी ब्लेस यू। हालेलुया, वी ब्लेस योर नेम ऑफ गॉड। थैंक यू जीसस, इस दुनिया में आने के लिए धन्यवाद, इस दुनिया में आने के लिए धन्यवाद, इस पृथ्वी पर मेरे लिए आने के लिए धन्यवाद। पूरा बाबा शिखा का बाबा रंधा का बाबा का बाबा, थैंक यू लॉर्ड। जीसस क्राइस्ट केम टू फुलफिल द लॉ, जीसस क्राइस्ट केम टू कॉल फॉर रिपेंटेंस, जीसस क्राइस्ट केम टू मेक डिविजन, जीसस क्राइस्ट केम टू गिव लाइफ एंड इटर्नल लाइफ। Jesus Christ came in His Father's name. Jesus Christ came to give light, light of life. Jesus Christ came for judgment. Thank you for coming, O God. Thank you that you came into this world, O God. Thank you, Lord, you came for the remission of sins, O God. Thank you for forgiving our sins, O God. We give you all the glory, O God. We give you all the glory, O God. We bless your name, O Jesus. धन्यवाद प्रभु, हम सबको कल के चर्च में आने के लिए तैयार कर। जो चर्च का भाग नहीं होगा वो स्वर्ग का भाग भी नहीं होगा। जो चर्च में नहीं आएगा वो स्वर्ग में भी नहीं जा पाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि मैं अपने कलीसिया बना रहा हूं, अदालत के फाट तक उसके ऊपर प्रबल होने न पाएंगे। धन्यवाद तेरे वचनों के लिए, धन्यवाद तेरे सुंदर बातों के लिए, इन वचनों से तुमने हमें आज तृप्त किया है, धन्यवाद। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते समय कबूल करके पा, आमेन, आमेन और आमेन। अपने हाथों को उठा के प्रभु का धन्यवाद करेंगे हम। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु। तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी प्रशंसा हो प्रभु, तेरी आराधना हो प्रभु जी। इस वचन के लिए धन्यवाद, हम ग्रहण करते प्रभु इस वचन को। आज हर एक दर्शक के लिए धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कल की सारी तैयारी के लिए धन्यवाद प्रभु जी। कल प्रभु तेरी आराधना आत्मा सच्चाई से कर सके प्रभु जी, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ, खास करके कैलवरी चर्च के साथ, कैलवरी चर्च के हर एक सदस्य के साथ आज से लेकर प्रभु यीशु आने तक बने रहे। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु आपको आशीषित करें। शालोम, शालोम, शालोम।